बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दें ताकि आप और बेल आइकन पे आप उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज की जो नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो है कोफ्ते, और ये बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते बनेंगे। इसको आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास कीमा है, 350 ग्राम कीमा है हमने लिया है। इसके साथ मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चम्मच। इसके साथ मेरे पास है प्याज तली हुई 2 खाने के चम्मच, इसको मैंने फ्राई कर लिया है। इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं किसी भी रेड चिली पाउडर, और ये अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में मेरे पास है ये 1/2 कप मेरे पास प्याज और लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया था, और मैंने इन तीनों चीज़ों को पीस के पेस्ट बना लिया है ये है हमारे पास। इसके साथ इसमें जाएंगे भुने हुए चने हैं ये 2 खाने के चम्मच। साथ में इसमें है धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच। इसके अलावा तेल में पास तेज़ पत्ते मैंने लिए 3 अदद। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ले लीजिए आप, लौंग 3 से 4 अदद दाने लौंग के ले लीजिए, और 4 अदद मैंने लिए छोटी इलायची। इसके साथ इसमें जाएगी दही, फेंट के आप दही इस्तेमाल कर लें। साथ में गर्म मसाला पाउडर है मेरे पास, और मेरे पास 1 खाने का चम्मच में इसमें ये ऐड कर रही हूँ खशखाश, और इसको मैंने पीस लिया है कि कम से कम 2 खाने के चम्मच है, और इसको पेस्ट बना लें। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस, और इसमें जाएगा हरा धनिया, और उसको हम चॉप करके इसमें ऐड करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कीमे के अंदर हम इसकी मैरिनेशन करेंगे, और ये हम ऐड कर रहे हैं इसमें जो प्याज थी उसको हल्का सा कूट लीजिए, फ्राई की भी प्याज थी। इसके साथ ही इसमें हम डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके साथ ही मैं इसमें गरम मसाला जो मैं इसको 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड कर रही हूँ, मैंने बचा लिया है बाकी। धनिया भी मैं इसमें 1 टेब ऐड कर रही हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, साथ में मेरे पास जो भुना हुआ चना है ये मैं ऐड कर रही हूँ, सारा हम ऐड कर रहे हैं, और मेरे पास खचखाश है ये पेस्ट है, इसको हम आधा ऐड करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक, और इसको मिक्स कर लें। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसके बनाएंगे बॉल्स, इसके हम बनाएंगे कोफ्ते। आप किसी भी शेप इसमें इसको कितने भी साइज़ का बना सकते हैं। ठीक है, देखें इस तरीके से हम इसके बॉल्स बना लेंगे, और मैं सारे इस तरीके से बना लूँगी। अब हम इसका जो है कोफ्तों का मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने ऑयल में सबसे पहले गर्म मसाले ऐड करूँगी, जो मेरे पास है लौंग, तेज़पत्ते और काली मिर्चें, छोटी इलायची। जब ये ऐसे कड़कड़ाने लगेगी उसमें हम ऐड करेंगे जो मेरे पास प्याज और के साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें रेड चिली पाउडर। इसके साथ ही इसमें जाएगा धनिया पाउडर, मैंने इसमें ऐड कर दिए, और अब उसके हम करेंगे भुनाई, इसको अच्छे से भूनेंगे। ठीक है, मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, और भूनने के बाद आप इसमें 1 कप पानी ऐड कर दें। मैंने मसाले को अच्छे से पहले भूना है, और फिर अब मैंने इसमें वाटर ऐड किया है 1 कप। वाटर को डाल के भी हम कर लेंगे कुक। ये देख लीजिए, मैंने इसमें वाटर ऐड किया था और मैंने इसको कुक किया है, और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ दही, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दही। दही को डालने के बाद भी हम इसको करेंगे भून लेंगे।
इसको भी हम कर लेंगे, कुक करेंगे उसको, भूनेंगे इसको। ये देख लीजिए ये अच्छे से भून गया, दही डाल के मैंने इसको भून लिया है। और अब मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी, 3 कप वाटर। अब जब इस वाटर के जो मैंने पानी में ऐड करी उसमें जब बॉइल्स आना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें अपने कोफ्ते ऐड करेंगे। इसको आप बॉइल आने दें। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, सॉल्ट टू टेस्ट अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इसके साथ अब इसमें जाएंगे कोफ्ते। कोफ्ते डालने के बाद हम इसको 10 मिनट और जो है कुक करेंगे। सो 10 मिनट कुक कर लें आप। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। ठीक है, इसको चमचे की मदद से जो है, चमची में से टूट सकते हैं तो इसलिए मैं इसको घुमा के हिला रही हूँ। ठीक है, और इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस, 2 ड्रॉप हमने इसमें केवड़ा एसेंस के ऐड किए। और इसको मैं दोबारा हिला लूँगी इस तरीके से, चमचे स्पून कोशिश करें कि आप ना यूज़ करें। ठीक है, और उसको हम करेंगे थोड़ा सा और कुक। अच्छा, मैं लास्ट में इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया चॉप करके, ये हमने ऐड कर दिया। हरा धनिया को डालने के बाद से हम इसको चला लेंगे ताकि हर तरफ से मिक्स हो जाए। और हम इसको कर लेंगे सर्व। अब मैं इसको करती हूँ सर्व। बिस्मिल्लाह, हमारे कोफ्ते जो हैं बिल्कुल साबुत हैं और ये टूटे नहीं हैं, तो निकाल लेंगे। ये देख लीजिए जो मैंने आज बनाई है अपनी आज की रेसिपी कोफ्ते, और ये बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने बीफ के गोश्त से बनाई है, और इसको आप जो है ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा घर पे। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, ये बहुत मज़े की लगेगी। और इसको आप नान के साथ या आप चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।